हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले एस्ट्रोनॉट गैलेक्सी प्रोजेक्टर के बारे में, और गाइस इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको 100% बताने वाला हूँ। धीरज रखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये मिल जाएगा और कहाँ से इसको परचेस करते हो तो आपको काफी सस्ता मिलने वाला है। सब डिटेल एंड तक आपको मिल जाएगी, तो वीडियो एंड तक देखिए और किस तरीके से आप इसका यूज करते हो वो भी दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ भाई इस डिब्बे के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सब डिटेल बताता हूँ। जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसके बॉक्स पैकिंग के बारे में बात करें तो एस्ट्रोनॉट स्टेरी स्काई प्रोजेक्टर लिखा है और यहाँ पे इसकी एक्चुअल इमेज भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है। साइड वाले पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके जो फीचर्स वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा। रिमोट कंट्रोल इसके अंदर मिलने वाला है, एडजस्टेबल प्रोजेक्शन है, टाइमिंग है और स्टार वगैरह की डिटेल वगैरह मिल जाएगी। जब लाइव देखते हैं तभी आपको अंदाजा आएगा। और इसके अलावा दूसरी साइड आपको यहाँ पे पैरामीटर्स देखने को मिल जाएगी, इसको आप पोज करके भी आप देख सकते हो। जल्दी से भाई बॉक्स को ओपन कर लेते भाई, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ ये प्रोडक्ट देखने के लिए। ओके, तो पहले तो आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिल जाती है, रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा ये कुछ भाई कुछ ग्रह वगैरह की पैटर्न के अंदर आपको एक स्टैंड मेरे ख्याल से ये है इसके अंदर। और भाई ये रहा हमारा मेन जो प्रोजेक्टर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही में आपको यूएसबी केबल देखने को मिल जाएगा जिससे मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्टर वगैरह रन होता है। और इसके अलावा कुछ क्वालिफाइड सर्टिफिकेट ऐसा कुछ लिखा गया है। चलो इन सबको जल्दी से साइड में रखते हुए आते हैं हमारे मेन प्रोजेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा हमारा एस्ट्रोनॉट गैलेक्सी प्रोजेक्टर। और गाइस इसकी जो डिजाइन है काफी मिलती जुलती है भाई एस्ट्रोनॉट से। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये मूवेबल भी है, लेग वगैरह फिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे भाई बैटरी वगैरह कुछ होगा जो इसकी सिस्टम होगी वो यहाँ पे भी आपको कुछ मिल जाता है। और यहाँ से मेरे ख्याल से लेसर जो निकल के भाई रूम को जो चार चांद लगाने वाली है ये है। चलो जल्दी से यहाँ पे इसका लाइव डेमो कर लेते हैं। और इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी काफी कमाल की है। और ये हाँ, ये एक स्टैंडी की है, इस तरीके से आप इसको रख सकते हो, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। चलो करंटली सब लाइट ऑफ कर दिए, अभी ये प्रोजेक्टर हमने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे सेंटर में जो बटन है वहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, देखते हुए किस टाइप की ब्राइटनेस मतलब जो लाइटिंग है वो होने वाली है। वाह, देखिए गाइस, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको कलर कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। आगे की ओर से भी देख लीजिए इस तरीके से वर्क होता है। वैसे तो यहाँ पे इसकी जो लाइटिंग वगैरह है काफी एट्रैक्टिव लुक आपके रूम को देने वाली है। अगर आप स्टूडियो रूम वगैरह के अंदर रखते हो, अगर आप मेरे जैसे YouTube के ऊपर या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएटर हो और अगर आपके रूम वगैरह के अंदर आप ये रखते हो ना, तो इसका जो लुक है वो डिफरेंटली चेंज होने वाला है। और इसके अलावा भाई डेफिनेटली अपने बच्चों वगैरह के रूम के अंदर प्लेस करते हो तो भाई बच्चों रूम की जो नजारा है वो पूरा डिफरेंट होने वाला है। भाई मुझे तो ये काफी पसंद आया, वर्थ इट है। अभी जल्दी से यहाँ पे इसके जो फंक्शन बटन वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे इसके फंक्शन बटन वगैरह के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि एक भाई काफी अच्छी क्वालिटी का रिमोट कंट्रोल मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ से ही आप रिमोट से ही इसको यूज कर सकते हो, मतलब टर्न ऑफ टर्न ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हो। नेब्यूला मतलब कि जो सेंटर के अंदर है आपको पिंक ब्लू ग्रीन टाइप का जो पार्ट पूरा मूव करता हुआ दिख रहा है इसकी चेंज भी आप कर सकते हो। एस माइनस और एस प्लस से ब्राइटनेस कम माइनस कर सकते हो, बी प्लस माइनस से भी ब्राइटनेस वगैरह ही है, और स्टार वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। टाइमर भी आप यहाँ पे इसके साथ सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके डायरेक्टली जो ये प्रोजेक्टर है इसके बारे में बात करें तो डायरेक्टली इस केबल को आपको यहाँ पे पीछे की ओर जॉइंट करना है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में जो बटन है वहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, और ये जो बटन है वहाँ से आपको स्टार वगैरह की चेंजेस मोड देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो नेब्यूला है वो चेंज हो
होता है और मतलब इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी काफी लाजवाब है। और यहाँ पे आपको जो एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर है उसका जो पूरा सर है वो कहीं पे भी ये मूव कर सकते हो। अगर आपको ओनली सीलिंग के ऊपर रखना है तो आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हो और बस आपको इसी तरीके से इसको मूव करना है। सिंपल और इजी टू यूज है। और गाइज अगर आपने डेस्क वगैरह के ऊपर रखा है तो फिर भी आप वहां से भी आप कोई भी डायरेक्शन के अंदर आपको इसको मूव कर सकते हो। तो ये था हमारा एस्ट्रोनॉट गैलेक्सी प्रोजेक्टर। करंटली मेरे पीछे की और भी अभी इसकी लाइटिंग वगैरह मैंने शुरू रखी हो तो आपको अंदाज आ जाएगा कि किस टाइप की इसकी ब्राइटनेस वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सामने की ओर दोनों रिंग लाइट फुल शुरू है, फिर भी भाई यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा भाई किड्स वगैरह के रूम के अंदर इसको ब्लेस करते हो, चार चांद लग जाने वाले हैं अपने बच्चों वगैरह को, तो भाई 100% मैं श्योर हूँ कि पसंद आने ही वाला है। और मैं आपको हाईली रेकमेंडेड कर रहा हूँ, बिल्ड एंड क्वालिटी काफी कमाल की है, अच्छी बिल्ड एंड क्वालिटी के साथ आपको ये एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर मिलने वाला है। और हाँ, amazon.in के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है 3,000-2,700 के आसपास आपको ये बिक रहा है कभी कभार भाई सेल वगैरह के अंदर। और एक दो सेलर ऐसे भी है जो आपको 2100-2200 रुपीज के अंदर भी बिक रहे हैं, लेकिन भाई मैं आपको रेकमेंडेड कर रहा हूँ। और इसकी जो प्राइस है अगर वो आपको जाननी है कि भाई किस प्राइस रेंज, मतलब 2000 से भी कम प्राइस रेंज के अंदर आप ये परचेस कर सकते हो, सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे जाके एक आपको मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा अगर परमिशन मिल गई तो उन लोगों की, तो बस डायरेक्टली आप उसका कॉन्टेक्ट करना है और वहां से आपको प्राइस वगैरह मिल जाएगी। तो बस ये रहा हमारा आज का प्रोजेक्टर का वीडियो भाई, मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आप परचेस करना चाहते हो और काफी कम प्राइस रेंज के अंदर, तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल वगैरह रख दिया है तो आप वहां से भी आप इसका कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अपकमिंग जो भी गैजेट वगैरह आता है तो हमारे चैनल पे उसका रिव्यू अनबॉक्सिंग वे सब आता रहता है। तो भाई बेल आइकन प्रेस किया है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। रिकमेंडेड है, प्रोडक्ट है, परचेस करना अगर चाहते हो तो एक बार जरूर नीचे दी गई हुई डिटेल के अंदर कॉन्टेक्ट करके आप बातचीत कर लीजिए, वहां से आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा और प्रोडक्ट भी डेफिनेटली काफी अच्छी मिलने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।